और चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर हर सोमवार की तरह आज भी जिला अधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां पर जिलाधिकारी सोनिका ने लगभग 120 से अधिक शिकायतें सुनी, जो कि जमीन, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा आदि से संबंधित रही। कई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, तो वहीं बाकी शिकायतों का संज्ञान लेकर उस पर भी जल्द कार्रवाई करने की बात कही। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लैंड के रिलेटेड डिस्प्यूट दो तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया कि आपकी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हो गया, ग्राम सभा की जमीन पे अतिक्रमण हो गया, वो हमारे SDM और तहसीलदार उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं वो रजिस्ट्री रिलेटेड आते हैं, कि दो लोगों की रजिस्ट्री हो गई, किसी ने 10 फीट इधर छोड़ दिया, किसी ने 10 फीट उधर छोड़ दिया, वो बेसिकली सिविल कोर्ट का मैटर हो जाता है जैसे ही रजिस्ट्री वाली रिकॉर्ड में हम जाते हैं। तो वहाँ पे डिस्प्यूट सुलझाने के लिए हम आपसी म्यूचुअली इनको बिठा के और फिर उसके बाद उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं, और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे पास अभी लैंड से रिलेटेड आ रही है।